एक तरफ चंदर के बिछाए जाल में फंस जाएगी प्रीत। चंदर ये सब नहीं करना है। अब हो देना। क्लोरोफॉर्म। वहीं दूसरी तरफ प्रीत के लिए परेशान राज को हो जाएगा दिल में छुपे प्यार का एहसास। मुझे जाने दो, प्रीत को मेरी जरूरत है। जी, राज। क्यों? क्यों जरूरत है प्रीत को तेरी? क्यों बचाना है प्रीत? मर जाने दे उसे। प्रीत जी, मैं उसको कुछ नहीं होने दे सकता। क्यों नहीं होने दे? क्योंकि प्यार करता हूँ मैं प्रीत से। क्या प्रीत को चंदर से बचाकर राज कर पाएगा अपने प्यार का इजहार? जानने के लिए देखिए। क्या पागल बनेगी? तेरे वजह से आज मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। तेरा प्लान पूरी तरह से फंस गई थी तू। तो आया उसके लिए थैंक यू। ठीक है, अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हट जा, जाने दे मुझे। चिंता करूंगा तो कौन करेगा प्रीत? राज, अब कोई और होशियारी नहीं है। कोई होशियारी नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। पूजा की थाली तैयार है, लड़की की माँ लड़के को तिलक लगाकर रस्म शुरू करे। मुझे सिमरन से नहीं, प्रीत से शादी करनी। और सिर्फ मैं यही नहीं चाहता, प्रीत भी ऐसा चाहती। मैं भी चंद्र से शादी करना चाहती हूँ। ये कैसी चाल खेली है? माँ बेटी के तोते उड़ गए। अब देखना ये है कि प्रीत क्या करती है। ये चाल नहीं, ये खुदकुशी है। आपकी ये बेटी 18 साल पवनियों की शाह रही है। मैं पहले भी इन मुकाबलों के काबिल थी और आज भी हूँ। इतना ही अगर प्यार है मुझसे तो कर दे साइन इस पे। इसमें लिखा है कि तू सिम्मी दीदी से शादी नहीं करना चाहता। आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा जी, बड़ी तैयारियों से आई है तू, हैं? क्या कर सकते हैं, इंसान की फितरत बदलते देर थोड़ी लगती है। क्या पता आज दिल मुझ पर आया है, कल मन बदल जाए, मैं तो फंस जाऊंगी, है ना? ये ले, कर दे दस्तक। देख, तूने जो मुझे कहा मैंने वो किया। भरी भीड़ के सामने सिम्मी से शादी करने के लिए मैंने मना कर दिया। और मैं ये कागज भी साइन कर दूंगा। लेकिन ना, मोहब्बत का मजा तब है जब मोहब्बत दोनों तरफ हो। मैं जानता हूं वीर जी, प्रीत क्या करने की कोशिश कर रही है। अपनी बहन को बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही है। और तू क्या कर रहा है राज? तू उसे अपनी जान दांव पर लगाने देगा? नहीं वीर जी, सब समझ रहा हूं कि जो लड़की किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती है, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। मेरा दिल कहता है कि प्रीत बिल्कुल बेगुनाह है, लेकिन मेरा दिमाग बार बार ये कहता है रोहनवीर जी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से प्रीत को रमनवीर जी पर बंदूक चलाते देखा। मैं रमनवीर जी से कितनी शिद्दत से प्यार करता हूं, ये बात शायद मैं भी नहीं जानता। लेकिन अब ये जानने लगा कि मैं प्रीत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। प्रीतो, नी प्रीतो,
क्या बात है, मन बदल गया है क्या तेरा? राज से फिर से प्यार हो गया तुझे? क्या मतलब? मतलब तो ये है कि सिंदूर की डब्बी लेके जो तू खड़ी है, मुझे लगा कि क्या पता तेरा मन बदल गया हो। क्यों, तुझे नहीं लगता कि तू भी इस सिंदूर के काबिल हो सकता है? हाय भाई गॉड, तेरा ना यही तिखापन तो मुझे पसंद है। तो ठीक है फिर, चला जा, आजा। इस बार प्रीत सच में बहुत बड़ी मुसीबत में है। एक माँ का दिल समझ जाता है अगर उसके बच्चे पर मुसीबत आती है तो। इस बच्चे अंदर को हराना आसान नहीं है। मेरी प्रीत बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकती। जो मदद करनी है उसकी। तेरी अनशीलियाँ बढ़ा रही हैं। सुखी के पापा, अब तो बबली को वापस ले आ। प्रीत ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है, अब अपनी बच्ची को वापस ले आते हैं। हो हो हो, आ की हो गया, रिश्तों में दरार आ गई। ये देवरानी और जेठानी के बीच में कुछ अनबन हो गई। हाँ, पर जाइए देख ले जरा। और तेरे दुख में तेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई दुखी नहीं है तेरे दुख में। तू बड़ा इनका साथ दे रही थी, देख लिया कितनी फिकर है इसे अपनी बेटी की। और तेरी बेटियों का क्या, पड़ गई ना अकेले। बिछड़ने की आग और चंदर से लगाई बाजी, क्या लाएगी राज और प्रीत को करीब, या फिर आ जाएगी राज और प्रीत के बीच कभी ना मिटने वाली दरारें? देखते हैं कि प्रीत सबसे पहला नवाला अपने हाथों से किसको खिलाती है। देखते हैं कि कौन हारता है और कौन जीतता है। क्या प्यार की परीक्षा में हार जाएंगे राज और प्रीत? जानने के लिए देखिए तू ही सारे वचन पढ़ दे। पहला वचन यो से, किसी भी धार्मिक कार्य, व्रत उद्यापन या तीर्थ यात्रा में जाओगे ना तो आप मन्ने अपने संग रखेंगे। मैं वचन दे रही हूँ। आप मन्ने वचन दीजिए कि जब भी मैं अपनी सखियों या मित्रों के संग रहूंगी तो आप वहाँ कभी मेरा अपमान नहीं करोगे। इन सब वचनों के अलावा मैं तन्ने एक और वचन देता हूँ, ना तो किसी के सामने और ना कभी अकेले में मैं तुम्हारा अपमान करूँगा। तूने अपनी पत्नी की नहीं, अपने सौभाग्य की हत्या की है। कभी कहना तेरा आठवां पुत्र कहाँ है? आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे देश के उभरते कवि प्रलय जंगीराबादी से। ये अपना क्लासमेट प्रमोद आखिरी बेंच पे बैठा करता था। हम इस प्रमोद को अपने घर बुलाएंगे और इसकी एक महफिल रखेंगे। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो, तुम मेरे सदैव आस पास हो, तुम मेरी आखिरी आस हो। मैं मुर्दा हूँ तुम लाश हो, मैं शराब हूँ तुम गिलास हो, मैं 49 हूँ तुम 50 हो, मैं अमरीका तुम लास वेगास हो। क्या है ये? मुझे साइड पे आज लगता है कि बिना कुछ खाए ही जाना पड़ेगा। अनुराग जी, आप बिना खाए साइड पर मत जाइए। थैंक यू सिस्टर। पता नहीं का जादू करके रखी है। ये लीजिए अपना फाइल। हमको माफ कीजिए, हम आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। अब आपको यकीन हो गया मिस्टर जी कि इसमें हमारा या हमारा फैमिली का कोनो भूमिका नहीं है? इस समय पर कहां चल रहे हैं? अपना यार से मिलने जा रहे हो का? हेलो
क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? वो गंजे वाले पापा है ना, वो माँ को बहुत मार रहे हैं। क्या? पापा प्लीज आओ जल्दी से आ रहो। सुमन चलो चलो यहाँ से। बस 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 सुम्मी और वीर को यहीं छोड़ दे वरना अभी गोली मार दूंगा तुझे, समझा तू? मैं सुमन को तो जैसे दरिंदे और जानवर के पास कभी नहीं छोड़ के जा सकता। चला गोली। सुमन